नमस्कार। इस संसार की रचना ईश्वर के तेज से हुई है। जहाँ जीवन है, प्राण है, वही ईश्वर की शक्ति है। हमारी सारी शक्तियों का आधार ईश्वर है और स्वयं परमेश्वर की शक्ति है माँ भगवती। माँ भगवती आदि शक्ति है, सर्वेश्वरी है। उनका तेज सृष्टि की कण कण में समाया है। लेकिन इस धरती पर कुछ ऐसी भी परम धाम है जहाँ आज भी माँ की शक्ति का, उनकी चेतना का साक्षात दर्शन होता है। माँ जननी है और जिसमें जीवन को जन्म देने की शक्ति हो उससे महान कोई और नहीं हो सकता। इस धरती पर सांस लेने वाले हर जीव की जीवन धारा जिससे निकलती है और जिसमें विलीन होती है वही देवी आदि शक्ति है। देवी हर रूप में ममतामयी है। इतनी ममतामयी कि उनकी भक्ति कब प्रेम में बदल जाती है और कब वो हमारे लिए देवी से देवी माँ बन जाती है आभास ही नहीं होता। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस संसार में एक ऐसा भी समय आया था जब असुरों के अत्याचारों से तीनों लोग संकट में आ गए थे। इस आपदा से मुक्त होने के लिए सभी देवी देवताओं ने मिलकर अपनी तेज से माँ आदि शक्ति को जन्म दिया। देवी माँ के मुख की रचना भगवान शंकर की शक्ति से हुई और उनकी भुजाओं को स्वयं भगवान विष्णु ने अपने तेज से रचा। पर्वतराज हिमालय ने उन्हें वाहन के रूप में सिंह प्रदान किया और देवराज इंद्र ने उन्हें वज्र भेंट किया। समस्त ईश्वरीय शक्तियों से परिपूर्ण होकर माँ आदि शक्ति ने इस संसार से अन्याय और अत्याचार को समाप्त करने का संकल्प लिया। माँ जगदम्बा का वास पर्वतों पर है। आकाश की ऊंचाइयों को छूते इन पर्वतों में माँ की विराटता और उनके वैभव की झलक मिलती है। यही वो पुण्य धाम है जहाँ अनेकों सिद्ध पीठों में माँ के सिद्ध रूपों का दर्शन होता है। देवी दुर्गा का ऐसा ही एक दुखहर्ता रूप है माँ चिंतपूर्णी। माँ चिंतपूर्णी हर चिंता का हरण करती हैं। ये सुख और वैभव की देवी है। कहते हैं माँ के इस दरबार में जिसने भी सर झुकाया है माँ के आशीर्वाद से उसकी हर इच्छा पूर्ण हुई है। हिमालय सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देही जयन। माँ हमारे दुख हरने के लिए हर क्षण तत्पर है। कहते हैं उन्होंने अपने परम भक्त माई दास को स्वप्न में दर्शन देकर कहा था कि वो इस स्थान पर पिंडी स्वरूप में विराजमान है। माँ चिंतपूर्णी का पहला दर्शन माई दास को हुआ और तभी से उनके स्नेह की धारा इस धरती को निरंतर सींच रही है। चिंतपूर्णी की इस प्रतिमा का मस्तक कटा हुआ है, इसलिए माँ के इस रूप को छिन्नमस्तिका कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ की दो योगिनियों ने जब रक्त पीने की इच्छा प्रकट की तो माँ ने स्वयं अपना मस्तक काटकर अपने रक्त से उनकी प्यास बुझाई। तभी से इस मंदिर में माँ आदि शक्ति के छिन्नमस्तिका रूप की आराधना की जाती है।
शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। देवी जगदम्बा के चरण ही हमारी शरण है, यहाँ सब शुभ है, सब मंगल है। नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी। अहम् ब्रह्म स्वरूपिणी यानी माँ जगदम्बा ही परम ब्रह्म है। ये सारा संसार उनके विराट रूप की एक छाया है। चेतना ज्ञान और आनंद सब उन्हीं की देन है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देवी आदि शक्ति को पंचभूत कहा जाता है। जीवन की रचना करने वाले पांच तत्व उन्हीं का रूप है। सृष्टि के सभी देवी देवताओं की शक्तियां धारण कर मां आदि शक्ति ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति के घर सती के रूप में जन्म लिया। सती ने शिव से विवाह किया और एक दिन जब दक्ष ने सती के सामने शिव का अपमान किया तो उन्होंने अपनी योगाग्नि में जलकर प्राण त्याग दिए। सती की मृत्यु से क्रुद्ध भोलेनाथ उनका शव लेकर तीनों लोकों में तांडव करने लगे। भगवान विष्णु को आभास हुआ कि शिव के क्रोध से संसार की रक्षा करने के लिए उनका मोह भंग करना आवश्यक है। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव को 51 टुकड़ों में बांट दिया। सती के अंग जिन 51 स्थानों पर गिरे वही माँ के शक्तिपीठ है। माँ आदि शक्ति की 51 शक्तिपीठों में माँ ज्वाला देवी को सबसे जागृत और शक्तिशाली माना जाता है। दक्ष के यज्ञ कुंड से भोलेनाथ जब सती को ले जा रहे थे तो उनकी जीभ इसी स्थान पर गिरी थी। माँ के अंगों में जो तेज था वो ज्वाला बनकर यहाँ प्रकट हुआ, इसलिए माँ आदि शक्ति के इस रूप को ज्वाला देवी कहते हैं। ज्वाला देवी के इस मंदिर में माँ जगदम्बा 9 ज्योति रूपों में विराजमान है। कहते हैं 9 ज्योतियाँ माँ के 9 रूप हैं, जिनके दर्शन से ब्रह्मांड के 9 ग्रहों का शुभ फल हमें प्राप्त हो जाता है।
ज्वाला देवी की कृपा उस ज्वाला की तरह है जो इस संसार के हर अंधेरे से शक्तिशाली है। ऐसा विश्वास है कि माँ अपने भक्तों की छोटी से छोटी भेंट से भी प्रसन्न हो जाती है, और माँ के नाम की महिमा तो कुछ ऐसी है कि यहाँ बिन मांगे झोलियाँ भर जाती हैं। आदिशक्ति की आराधना नौ दुर्गा के रूप में की जाती है। नौ दुर्गा माँ के नौ रूप हैं, जिन्हें महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजना के नाम से जाना जाता है। इस धरती पर प्रकाश की अमृत वर्षा करने वाला सूर्य शाम ढलते ही अपनी किरणें समेट लेता है, और यही वो समय है जब माँ की सेज सजाकर उन्हें विश्राम के लिए आमंत्रित किया जाता है। रात भर माँ इस शैया पर विश्राम करती हैं, लेकिन उनके दरबार में सुख और शांति की ज्योति एक क्षण के लिए भी विलीन नहीं होती। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, हिमालय यूं तो सभी देवी देवताओं को प्रिय है, लेकिन इस देव भूमि से माँ जगदम्बा और भगवान शंकर का संबंध बहुत गहरा है। इन चोटियों पर युगों युगों से शिव और शिवा यानी माँ भगवती का वास है। ज्वाला देवी में भी देवी महामाया के साथ भगवान शंकर विराजमान है, और समय की सीमाओं से परे भी सती के साथ रहने का व्रत पूर्ण कर रहे हैं। जहाँ शक्ति है वही शिव है। देवी के सभी शक्तिपीठों में माँ आदि शक्ति के साथ भैरव अलग अलग रूप में वास करते हैं, लेकिन माँ ज्वाला देवी की विशेषता ये है कि यहाँ पर माँ के साथ स्वयं भोलेनाथ भगवान शंकर विराजमान हैं। या देवी सर्वभूतेषु हिमालय की इन्हीं वादियों में देवी आदि शक्ति ने शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों तक तप किया था। उनकी साधना में ऐसी शक्ति थी कि वो सदा सदा के लिए शिव के हृदय में विराजमान हो गई। भगवान शंकर से देवी कई रूपों में जुड़ी हैं। कहीं वो ज्वाला देवी के रूप में शिव के साथ हैं, तो कहीं तारा देवी के रूप में। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। तारा देवी भगवती महाकाली का रूप है। इन्हें माँ आदि शक्ति की 10 महाविद्याओं में से एक माना गया है। ऐसा विश्वास है कि तारा देवी अपने शरण में आने वाले भक्तों का तरन तारण कर देती हैं। तारा देवी का शरीर नीला है, इसलिए उन्हें नील रूपा कहते हैं। ऐसा विश्वास है
कि तारा देवी की कृपा से वाक शक्ति का वरदान मिलता है और मनुष्य की वाणी में वो शक्ति आ जाती है कि माँ से की हुई प्रार्थनाओं का हर शब्द सत्य हो जाता है। माँ तो माँ है, उसके चरणों में आके सदा सुख ही मिलता है। माँ हर रूप में पावन है, फिर उसे तारा देवी कहें या ज्वाला देवी। अग्नि से पवित्र इस संसार में कुछ और नहीं, शायद इसीलिए माँ के इस धाम में उनके दर्शन अग्नि शिखाओं के रूप में होते हैं। न माँ की कृपाएं किसी सीमा में बन सकती हैं, न उनके भक्तों का प्रेम। जैसे दिए से प्रकाश निरंतर बहता रहता है, वैसे ही ज्वाला देवी के प्रेम की रसधारा यहाँ आटो पहर बहती है। जिन शक्तियों के साथ हमें जन्म दिया है, उनमें सबसे महान है प्रार्थना शक्ति। मन में भावना है और भावना में समर्पण है तो हमारी प्रार्थनाएं माँ जगदम्बा तक जरूर पहुंचेंगी। देवी माँ के दरबार से अब हम विदा लेते हैं। यात्रा के हर क्षण में हमारे साथ रहिए और विश्वास रखिए, माँ की कृपा मौन है। जीवन में कहाँ और किस मोड़ पर सौभाग्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, हम नहीं जानते। नमस्कार। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद दीप्ति भटनागर।